सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तू इसे ठीक होगे। मेरा नाम मीरा प्रसाद प्रेस दी इन्फॉर्मेशन एंड टू लाइफ स्टाइल बारे ब्लॉग पाई था। अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है डिस्क्रिप्शन चा। तो अगर वीडियो पसंद हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो अज आप सामने एक नवा टॉपिक, तो अज आप लैके आए थे नवी वीडियो। तो बहुत सारा प्यार दवो, कमेंट करो, ठीक है, वीडियो में शेयर करो। जिन्हें साइज प्रेस आना तो कमेंट दवो, ता ही अगर थोड़े करके इतने तक पहुँचा तो होर आप अगे लैके जाओ थोड़े सरतियाँ जो भी है। तो जब अपना टॉपिक है कि बड़े वीर सुभाव आते भी बाई मैसेज आते कि बई साडा वीज़ा कदों आना, तो कदों आना, तो यह बहुत दिक्कत बन चुकी भी वीज़ा कदों आना जा कदों नहीं आना। तो जब आप इस टॉपिक की गल करा तो पूरी वीडियो देखना सिक्कत ना करो थोड़े फायदे लिए। चलो आ जाओ करते वीडियो स्टार्टिंग। सो वीज़ा कदों तक आना, वो तो पहले आप जानने भी कि मेन मेन इनटेक है साइप्रस के। तो साइप्रस के नहीं कि बल्कि ज़्यादा जिड़े भी कंट्री तुम जाने उ सारे तो मेन इनटेक यही है जो मैं तुम दसूँगा। इन ही ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। तो सब तो मेन जो इनटेक आते तीन इनटेक आ जनवरी मार्च तो अक्तूबर, ये ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। हालांकि जो होर इनटेक होंगे वह कोर्स से डिपेंड होता भी कदों कोर्स खत्म होना जो कदों स्टार्ट होना, ठीक है। होर जो कॉलेज है बट तीन मेन इनटेक आ इन ही ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। तो देखा जाए तो जनवरी स्टूडेंट आए हैं क्योंकि जनवरी स्टूडेंट अगर लेट हो गया तो फरवरी स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। नवंबर कई हम अक्तूबर का भी नवंबर से भी आया है अक्तूबर इनटेक का, तो वो ज़्यादा स्टूडेंट आए हैं। सो इनका इनटेक का फर्क है, कई बार जल्दी वीज़ा आ जाता हूँ, कई जनवरी इनटेक आ, कई पहले ही वीज़ा आया, कई जल्दी भी दे देंगे, इदा कोई चक्कर नहीं भी वह उस तरह वो उधर इनटेक मान लेंगे भी यही इनटेक है साडा। बट नहीं, जनवरी इनटेक हों, मार्च इनटेक हों, अक्तूबर इनटेक हों, यही ज़्यादा मेन इनटेक होंगे। तो आप गल करिए भी वीज़ा मतलब प्रोसैसिंग फस्ट आप तो की करना चाहिए वीज़ा तो वीज़ा लगाना, तो कि डॉकूमेंट मैंडेटरी है। सब तो पहले टेंथ तो प्लस टू का सर्टिफिकेट होना जरूरी है क्योंकि इन्हों पर वीज़ा अपलाई होंगे, ठीक है। टेंथ या प्लस टू का सर्टिफिकेट, प्लस टू का मेजर आ, तो कई वे टेंथ के भी वीज़े आए हैं कि जो टेंथ भी टेंथ तो भी अपलाई वीज़ा हो जाता है, जो टेंथ की उन्होंने वीज़ा अपलाई हो जाता क्योंकि आयल्स का कोई भी एज नहीं है कि 16 साल तो ज़्यादा होने चाहिए, आयल्स हो जाती है, ठीक है। आयल्स से वीज़ा लग जाता, आयल्स का पेपर तुम 16 साल तो है उपर तुम दे सकते हैं। आयल्स के पेपर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी ने 12वीं का सर्टिफिकेट उत्ते देखते, ठीक है। तो टेंथ के वीज़े भी आ जाते हैं, तो टेंथ अगर प्लस टू की प्लस टू का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ठीक है, प्लस टू का सर्टिफिकेट। तो उस तो बाद पी सी सी 6 महीने की वैलिड होनी चाहिए है वो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि 1 महीने वैलिड हो, बट 6 महीने की जी होंगी है जो वो हो कोई चक्कर नहीं है, बट 6 महीने होने चाहिए और, ठीक है। सो पी सी सी तो बाद भी पी सी सी जो अपलाई होगी उदो तुम मैडिकल करवाने लिया जाता, मैडिकल थोड़े चैसट एक्सरे होंगे, थोड़े जो ब्लड टैसट होंगे मैं ना नहीं, बट जो चैसट एक्सरे जो टी वी देखा जाता वो टैसट हों, उस तो बाद फ्री हो जाने, ठीक है। उस तो बाद अकाउंट तो आ जाता भी तुम्हें बैंक फंड्स शो करने पैंते हैं, वो कॉलेज रिक्वायरमेंट होंगी भी किन्ने शो करा, तो ठीक है। ऑफर लैटर लिखे होंगे जो तुम्हारा ऑफर लैटर आने इन्ने फंड शो कराने, ठीक है। वो फंड शो होंगे अगर तुम फादर के नाते होंगे प्रा फादर के नाते शो हो जाते, अगर तुम अपने नाते कराने अपने नाते करा लो कोई चक्कर नहीं होंगे। तो हाँ भी वह एफीडेविट लगता भी ये फंड आ, जाए अगर फादर के नाते शो करा तो एफीडेविट जरूर लगता है, ठीक है। तो अगर फी उस तो बाद फिर होंगी है भी फीस पे भी इदा भी कई सवाल होंगे भी कॉलेज तो फीस पहला रह लिया, बट नहीं साइप्रस इदा भी उत्तर ऑफर लैटर से भी लिखा होंगे कि फीस पहला पे होएगी, अगर इन केस तुम वीज़ा कैंसल कराते हो तो फीस रिफंड नहीं होगी। उत्तर ऑफर लैटर से चंगी तरह पढ़ लियो, तो सारा कुछ ही ऑफर लैटर से लिखा होंगे वीज़े का टाइम, अगर तुम ध्यान ऑफर लैटर पढ़ते हो तो सारा कुछ ऑफर लैटर से मैनशन होंगे, ठीक है। तो फीस पे का भी लिखा होंगे भी कदों पे करनी है, ठीक है। अगर तुम फीस पे कर देने फीस कि 500-5000 यूरो होगी, ठीक है। कई 4500-4750 यूरो 5500 यूरो इदा करके कॉलेजा या यूनिवर्सिटियां की फीस आ टोटल, मैं एसटीमेट लाया भी कि फीस होगी। वो फीस पे करन तो बाद, ठीक है, थोड़ी जो फाइल पूरी सबमिट हो जाती, उस बाद थोड़ी डॉकूमेंट इधर आते हैं, डॉकूमेंट अगर तुम एजेंट फाइल पाई वो इधर डॉकूमेंट तो सेंड कर दो। उस बाद प्रॉपर 2 मंथ्स का काम होंगे, जोड़ा 2 मंथ तो लगते ही आ वैसी तो वर्कलोड होंगे, ठीक है। हूँ तो बाद ज़्यादा ही वर्कलोड से कई 3 महीने भी लगे, ठीक है, 3.5 भी लगे, 4 भी लगे आ। सो उस अकॉर्डिंग मैं तुम्हें कहना भी 2 महीने का टाइम लगता ही वीज़ा उन्होंने, अगर तुम पूरी फाइल सबमिट कर देने तो 2 महीने तुम नज़ारे ना वेट करने पैंती है, यदा नहीं कि भाई 1 महीना हो गया मेरे वीज़ा नहीं आया। हालांकि सारे होंगे सारे के हारमोनस ने काली पाई होंगी भी साडा वीज़ा भी साडा वीज़ा, मतलब भी प्रसाद तो कोई है नहीं भी जो जल्दी मिल जू, महीने बाद मिल जू, ठीक है। ज
ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੰਥ ਇੱਕ ਮੰਥ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਜੂ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਬਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਰ ਭਾਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੰਥ ਮੰਥ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਗੀ ਬਟ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਾਹਲੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਲੋਨ ਵੀ ਚੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਿਆਜ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਟ ਇਹਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ।